वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, इस बार की वीडियो हमारी होने वाली है महिंद्रा स्कॉर्पियो पे। उस गाड़ी को हम पूरा डेंट पेंट करने वाले हैं। गाड़ी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बोनेट पर से रंग हट चुका है, ऐसे ही दरवाजे के कॉर्नर पर भी रंग हटा हुआ है और पूरी गाड़ी पर छोटे मोटे डेंट पड़े हुए हैं। अभी वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी हम आपको ब्लेड लगा के दिखाएँगे तो आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा कि गाड़ी में असली में दिक्कत क्या है। वीडियो में देखने में नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसमें गाड़ी में काम है। जैसा कि हमने बोनेट पे दिखाया था, वैसे डिग्गी पे भी काफ़ी डेंट पड़े हुए हैं और ये बड़े डेंट हैं, छोटे नहीं हैं। तो इस गाड़ी को हम पूरा डेंट पेंट करेंगे और छत नहीं पेंट करेंगे, क्योंकि छत सही है और छत ख़राब होती तो उसको भी पेंट किया जाता। फ़िलहाल उसकी पॉलिशिंग लगा के उसको बराबर कर देंगे तो नई जैसी हो जाएगी। और जो दरवाजे के नीचे स्कॉर्पियो का मोनोग्राम देख रहे हैं आप, वो भी वाइट होगा कस्टमर की डिमांड पे। और इस गाड़ी में जो लगने वाला है वो एक टेल लाइट है और दोनों साइड मिरर हैं, जो कि ख़राब थे। टेल लाइट तो हमें नहीं मिली, लेकिन हाँ साइड मिरर दोनों मिल गए हैं। और टेल लाइट के बगैर ही ज़्यादातर हमारी वीडियो शूट होती है, जो अगर हमारी कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो अभी हम आपको डेंट दिखा रहे हैं कि छोटे छोटे डेंट पूरे गाड़ी पे इसी तरीके से पड़े हुए हैं, जिससे गाड़ी का लुक ख़राब हो रहा था। तो हम इसको डेंट करके ठीक करेंगे और बेस बना के इसको पेंट करेंगे तो ये एकदम ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे। इस गाड़ी में जो कलर यूज़ हुआ है वो डायमंड वाइट कलर है। महिंद्रा की जो एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर ही डायमंड वाइट कलर यूज़ होता है, फिर चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे टीयूवी हो, चाहे ब्लोरो हो, उसमें डायमंड वाइट ही यूज़ होता है। हालांकि हर डायमंड वाइट सबका अलग होता है, ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियो पे जो पेंट डायमंड वाइट यूज़ होगा वो ब्लोरो पे मैच करेगा। सबका अलग अलग शेड होता है, कोई हल्का होता है, कोई मतलब लाइट होता है, तो कोई डार्क होता है जिसमें पीलापन ज़्यादा होता है। तो सारी गाड़ी का अलग ही होता है, डायमंड वाइट नाम एक होता है लेकिन शेड अलग अलग होते हैं। वाइड में भी बहुत कैटेगरी होती हैं, जैसे मान के चलिए इनोवा में 040 ज़्यादातर यूज़ होता है, क्रिस्टा वगैरह हो गई और पुराने वाली इनोवा हो गई तो उसमें 040 यूज़ होता है। तो हर 040 का कलर अलग होगा, डिफरेंट होगा, कोई लाइट होगा तो कुछ थोड़ा डार्क होगा, मतलब डार्क से मेरा मतलब है थोड़ा पीला ज़्यादा होगा तो कोई सफ़ेद ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से गाड़ियों के शेड बनते हैं। तो इसमें डायमंड वाइट यूज़ हो रहा है और इनोवा वगैरह में 040 यूज़ होता है। फ़िलहाल अब हमारा डेंटिंग का काम कंप्लीट हो गया है, जो कि ज़्यादातर काम था नहीं इसमें डेंटिंग का, और छोटे मोटे डेंट्स थे तो आरी ब्लेड लगा के उस पर हो जाता है काम। बाकी अब बेस वर्क चल रहा है हमारा और इसको हम पुट्टी फिलिंग करके उसका लेवल बराबर करेंगे। गाड़ी में ए ग्रेड का पेंट लगना है या बी ग्रेड का पेंट लगना है, ये कस्टमर की चॉइस पे होता है। कस्टमर का बजट अगर 20,000 के अंदर है तो उसमें बी ग्रेड का ही लगता है। बाकी अगर 20,000 के ऊपर, छोटी गाड़ी का बता रहा हूँ, बड़ी गाड़ी का नहीं बता रहा हूँ, तो 25 से 30,000 में ए ग्रेड का पेंट लगता है उसमें। तो ये सब कस्टमर की चॉइस पर होता है। और हमारे वहाँ डुपॉन का आपको मिल जाएगा ए ग्रेड में, निपॉन मिल जाएगा, और ऐसा नहीं कि सेकंड ग्रेड भी ख़राब होता है। ज़्यादातर इंश्योरेंस वाला काम जो होता है कंपनियों का, और पेंटिंग का भी जितना भी वर्क होता है वो सेकंड पे ही होता है। और अलग अलग कंपनियां आती हैं तो सब अपने अपनी कंपनी का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि हर कंपनी एक ही पेंट यूज़ करती है। सबके अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कोई डुपॉन यूज़ करता है, कोई निपॉन यूज़ करता है, और भी बड़े बड़े ब्रांड आते हैं वो उनका यूज़ करते हैं, और उसी से जो पेंटिंग की कॉस्टिंग होती है वो बढ़ती घटती रहती है। तो ये थोड़ा पेंट के बारे में नॉलेज देना था। बाकी गाड़ी पे क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है वो कस्टमर के बजट पे होता है, बजट मैंने बता दिया है। अगर गाड़ी में काम ज़्यादा है तो उसका अलग चार्ज आता है, मैंने तो एक रफ आइडिया बताया था, जैसे एक्सीडेंटल हो तो वो अलग चार्ज आता है। बाकी गाड़ी में जो भी सामान लगता है उसका अलग होता है, जैसे साइड मिरर लगेंगे तो जो कॉस्टिंग हमने डेंट पेंट की करी है वो इससे अलग ही होगी, और सामान जो भी आता है वो कस्टमर लेके आते हैं, हम लोग का नहीं होता है बीच में कोई काम। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी एकदम नई जैसी दिखे तो आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी,
तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ सजेस्ट किए हैं, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, या अपने पास की कोई दुकान से ख़रीद सकते हैं जहाँ ऐसा सामान मिलता हो, पॉलिश वगैरह। ज़्यादातर गाड़ियाँ वॉशिंग के बाद जो है सुन्न पड़ जाती हैं, मतलब चमक कुछ परसेंट कम हो जाती है। वो होता ये है कि शैम्पू लगाने से सरफेस ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए आपको बॉडी पॉलिश यूज़ करना पड़ेगा, जिससे वो सरफेस जो ड्राई हो गई है वो वेट हो जाए। और जो कंपाउंडिंग वगैरह करते हैं उसमें भी ऑयल वगैरह होता है, जिससे जो ड्राई सरफेस होती है वो चमकने लगती है। कौन सा प्रोडक्ट किस यूज़ आता है आप डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, अगर आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि उस पर भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते हैं और डेली अपडेट दिया करते हैं। तो एक बार इंस्टाग्राम भी ज़रूर चेक करें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो एंजॉय करें। गाइस, हम उम्मीद करेंगे आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, जैसे बाकी वीडियो पसंद आती हैं। और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अभी बहुत सारी और वीडियो आने वाली हैं इंटरेस्टिंग, और वीडियो में थोड़ा वैरायटी लाने की कोशिश कर रहे हैं अब हम, तो आपको अलग अलग तरीके की वीडियो थोड़ा और डिफरेंट टाइप में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ डेंट पेंट की नहीं, और बाकी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम गाड़ी आपको दिखाते हैं, गाड़ी बनके कैसे तैयार हुई है, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि काम हमारा कैसा लगा। चलिए देखते हैं।